नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे पैनी शेयर्स के बारे में, जो कि इन्वेस्टर को एक से दो महीने में काफ़ी ज़्यादा रिटर्न दिया है। छः महीने में कई सारे पैनी शेयर्स जो है इन्वेस्टर को काफ़ी वेल्दी बनाया है, काफ़ी ज़्यादा मतलब रिटर्न दिया, एक मल्टी बैगर रिटर्न। तो इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो है 3i इन्फोटेक, ऊर्जा ग्लोबल, सुजलॉन एनर्जी, जेनिथ हेल्थ केयर, ट्रीडेंट, यस बैंक, बायोफिल केमिकल, वैशाली फार्मा। तो इन सारे स्टॉक्स के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपको इसमें किस तरह से निर्णय लेना है, कितना इन्वेस्ट करना है। क्योंकि तो बहुत सारे कमेंट आते हैं, सर इन स्टॉक्स के बारे में बताइए, इनके बारे में वीडियो बनाइए। तो दोस्तों, जो रिटेल इन्वेस्टर उनकी रुचि काफ़ी ज़्यादा होती है इन पैनी शेयर्स में। तो दोस्तों, पैनी शेयर में क्या स्ट्रेटजी आपको लगाना है, उन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चाहे कोई भी पैनी शेयर आप खोजते हैं, अगर वो अच्छा है, आप उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो यही स्ट्रेटजी लगाना है जो आप इस वीडियो में आगे सीखने वाले हैं। पहला स्टॉक है हमारा 3i इन्फोटेक लिमिटेड। ये काफी बेहतरीन पैनी शेयर्स है। क्यों बेहतरीन है? क्योंकि इसमें पहले प्रमोटर्स का कोई स्टेक नहीं था, इसमें जो इंप्लॉय लोग थे वही इस कंपनी को चला रहे थे। तो जो सॉफ्टवेयर बिजनेस है कंपनी का, उसका डील हुआ एक न्यू जो अमेरिकन बेस्ड कंपनी है, जिसके कारण इस कंपनी का वैल्यूएशन काफी अच्छा माना जा रहा है। क्योंकि इसका जो सॉफ्टवेयर बिजनेस है सिर्फ उसका 1000 करोड़ मार्केट वैल्यू लगाया गया है। तो आप समझते हैं सर्विस बिजनेस, जो कि 50 कंट्रीज में इसका सर्विस बिजनेस है बैंकिंग सेक्टर में, फाइनेंस सेक्टर में, तो इस कंपनी का जो मार्केट कैप है लगभग कितना होना चाहिए, आप इसी से अंदाजा लगा दीजिए शेयर प्राइस कितनी होनी चाहिए। अगर हम इसके लॉन्ग टर्म चार्ट को देखें तो पहले इसका शेयर प्राइस हुआ करता था 150 रुपीज से भी ऊपर। तो 2007-08 में आप देखते हैं 150 रुपीज से अधिक इस कंपनी के शेयर का प्राइस था, और अब जो है कंपनी फिर से एक जबरदस्त मजबूती देखने मिला है। अगर आप देखें तो 6 मंथ में जो ये कंपनी रिटर्न दिया है 246% का। अगर किसी इन्वेस्टर ने इसमें अगर रुपया लगाया होता जुलाई के महीने में उससे पहले, तो अभी उनको लगभग 300% का रिटर्न प्राप्त होता। तो इसी तरह से जो अपॉर्चुनिटी होता है मार्केट में काफ़ी सारे मिलते रहते हैं, आपको अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है। अगर इसमें हम बात करें, कोई मार्च में जो गिरावट था उस गिरावट में कोई लगाता तो उसे 600% का रिटर्न मिलता। लेकिन इसमें जो आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, जो भी पैनी शेयर्स है अगर वो फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है, अगर आपको लगता है कोई पैनी शेयर्स है जो छोटी कंपनी है, मतलब अभी उस कंपनी का बीजारोपण हुआ है, मतलब जो हम बीज लगाते हैं पौधा उससे उगता है तो काफ़ी छोटी होती है, उसका वैल्यूएशन भी काफ़ी छोटा होता है। लेकिन जब वो एक बड़ा पेड़ बनता है तो पेड़ का वैल्यूएशन काफ़ी बड़ा होता है, क्योंकि उससे हमें बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होती है, काफ़ी लकड़ी प्राप्त होती है। लेकिन एक छोटा पौधा है तो उसका वैल्यूएशन भी कम होता है। तो वही बात है, अगर कोई छोटी कंपनी है जो अभी शुरुआत हुई है तो उसका शेयर प्राइस भी कम होगा, तो आप उस समय इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन कोई कंपनी जो है फंडामेंटल्स खराब होने के कारण काफी नीचे आ चुका है, जैसे इस कंपनी का फंडामेंटल्स काफी खराब हो, कंपनी लगातार लॉस में जा रही थी, और इसका प्रमोटर जो था ICICI बैंक था और अपना सारा स्टेक सेल कर दिया था। मैंने भी इस कंपनी का एनालिसिस किया था, जब इसका शेयर प्राइस 2 रुपीज था तब मैंने देखा इसका में प्रमोटर का स्टेक है ही नहीं, तो मैंने इसमें थोड़ा सा भी रुपया नहीं लगाया। तो आपको यही देखना है, अगर फंडामेंटली स्ट्रांग है कोई भी कंपनी, छोटी कंपनी, और आगे उसके बिजनेस में काफी ज्यादा पोटेंशियल है, कंपनी काफी ज्यादा ग्रोथ करने वाली है, आप उसमें जरूर इन्वेस्ट करें। आपको कितना रुपया इन्वेस्ट करना चाहिए पैनी शेयर्स में, इसकी बात करें तो जैसे अगर आपका 1 लाख रुपया का पोर्टफोलियो है तो आप 1000 रुपीज इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि आगे उसमें धीरे धीरे ग्रोथ आपको देखने मिल रहा है, कंपनी का फंडामेंटल्स काफी धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है, तो आप उसमें और 1000 रुपीज लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप धीरे धीरे मतलब जो है कंपनी का एनालिसिस करते जाएंगे, उसमें रिस्क लेते जाएंगे। और दूसरी स्ट्रेटेजी होती है कि कंपनी का फंडामेंटल्स आपको अच्छी नहीं लगती है, लेकिन कंपनी पैनी शेयर्स है और पैनी शेयर्स हो सकता है, क्योंकि तुक्के में भी कई सारी कंपनी अच्छा रिटर्न दे देती है। तो तुक्का अगर आप लगा रहे हैं तो आपको 500 रुपया से अधिक नहीं लगाना चाहिए, 100 रुपया, 500 रुपया। और अगर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है, छोटी कंपनी है, तो आप उसमें 1000-2000 रुपीज लगा सकते हैं। लेकिन आप कंपनी फंडामेंटल्स को बिल्कुल नहीं जानते, कंपनी के बिजनेस के आगे पोटेंशियल को नहीं जानते हैं, तो आप उसमें 100 रुपया, 500 रुपया लगा दीजिए बस। अगली कंपनी है ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड। दोस्तों, ऊर्जा ग्लोबल काफी बेहतरीन कंपनी मानी जा रही है। अगली कंपनी है ऊर्जा ग्लोबल, ये भी देख लीजिए कि शेयर प्राइस काफी मूवमेंटम देखने मिला है। 1 रुपीज का ये शेयर था, अभी ये देख लीजिए इन्वेस्टर को 685% का रिटर्न दे चुका है। जो गिरावट था पैंडमिक में वहां से अभी काफी जबरदस्त इसमें तेजी देखने मिल रहा है। लेकिन दोस्तों आप समझ जाइए, क्योंकि ये अपने ऑल टाइम हाई पे हो चुका है। लेकिन जिस तरह से 3i इन्फोटेक में आपने को हमने इन्वेस्ट करने की सलाह दिया, अगर कभी भी मिलता है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, उस तरह से ये पैनी शेयर्स नहीं है। जब तक इस कंपनी के फंडामेंटल्स काफी अच्छे नहीं हो जाते, तो कंपनी के फंडामेंटल्स पर आपको ध्यान देना है।
तभी जाकर के इन्वेस्ट करना है। ऐसे ये सोलर जो एनर्जी है, जो रिन्यूएबल एनर्जी है, उसमें ये कंपनी है। तो माना जा रहा है कि इस कंपनी में आगे आने वाले समय में काफी पोटेंशियल है। लेकिन दोस्तों एक पैनी शेयर है, बिजनेस में जब तक इंप्रूवमेंट नहीं होता, कंपनी जब तक प्रॉफिट में नहीं आती, तो एक बड़ा अमाउंट आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। तो जब भी आपको नीचे के प्राइस मिलता है, अभी जो अपने ऑल टाइम हाई पे है, तो अभी आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। जिस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी शेयर प्राइस काफी नीचे आ चुका था, आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें 500 रुपीज लगा सकते थे, 100 रुपीज लगा सकते थे। तो अभी आपको वेटेड वॉच करना है, अभी आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अभी इन्वेस्ट करने का इसमें बिल्कुल भी सही समय नहीं है। तो हमेशा आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए सही समय का इंतजार करना पड़ता है। जबकि ब्लू चिप कंपनी में हम बात कर रहे हैं कि आपको अच्छे अमाउंट इन्वेस्ट करने हैं, तो सही समय का इंतजार कीजिए। ये तो पैनी शेयर से आप बिल्कुल सही समय का इंतजार करना पड़ेगा। जब कंपनी का शेयर प्राइस अपने ऑल टाइम लो पे है, अपने लो प्राइस पे चल रहा है, तो उस समय आपको इस पे इन्वेस्ट करना है। तो अभी वेट एंड वॉच कीजिए। अगला है सुजलॉन एनर्जी। ये भी शेयर काफी न्यूज में है, काफी सारे इन्वेस्टर जो है इसमें भी मतलब काफी बुलिश है, मतलब काफी ज्यादा इसमें आने वाले समय में रिटर्न का एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों इन सारे स्टॉक्स में आपको काफी संभल के रहना है। देखते हैं, जब पैनी शेयर्स में आपको लोअर सर्किट देखने मिलेगा, तो फिर आपको निकलने का मौका नहीं देगा। तो इसमें आपको बस वही स्ट्रेज लगानी चाहिए जो मैंने कहा, आपको हमेशा जो इसके लो प्राइस का वेट करना है, अपने जब अपने ऑल टाइम लो के आसपास हो, उस समय थोड़ा सा इसमें इन्वेस्ट करना है। वो भी बिजनेस को देखते हुए कि बिजनेस उसमें आगे पोटेंशियल होना चाहिए। जब बिजनेस में पोटेंशियल होगा, कंपनी में हो सकता है कोई वैसी आशा बची हो कि कंपनी आने वाले समय में अच्छा कर सकती है, तभी आपको उसमें इन्वेस्ट करनी है। अगला है जेनिथ हेल्थ केयर। दोस्तों अभी सारे जो फार्मा स्टॉक्स है काफी दौड़ रहे हैं, तो उसी में है जेनिथ हेल्थ केयर। ये भी स्टॉक देखते हैं, मात्र कुछ ही पैसे का हुआ करता था, और अभी रिटर्न की बात करें 1471% का रिटर्न मात्र मार्च महीने से अभी तक। मतलब अगर आप इसमें 1,00,000 रुपया इन्वेस्ट किए होते, तो वो आपका रुपया होता 15,00,000। तो फार्मा सेक्टर के सारे जो स्टॉक है उसमें आग लगा हुआ है एक तरह से। तो आपको अगर इसमें इन्वेस्ट करना है, तो आप थोड़े अमाउंट इसमें इन्वेस्ट कर लीजिए, क्योंकि अभी ये काफी अपने ऑल टाइम हाई की ओर जा चुका है। ऐसे में अगर गिरावट आता है, तो फिर आप इसमें ट्रैप भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ आप देखते हैं ये शेयर प्राइस कुछ पैसे में हुआ करता था हमेशा। देखते हैं कुछ पैसे का ये शेयर था, और यहाँ से ये 1500% का रिटर्न दे चुका है। तो जब इतना रिटर्न दिया है, तो थोड़ा बहुत इसमें करेक्शन भी हो सकता है। और छोटे शेयर है, जब लोअर सर्किट लगना शुरू होगा, तो फिर आपको निकलने का मौका नहीं देगा। जिस तरह से सुजलॉन एनर्जी देखने लोअर सर्किट लगना शुरू हुआ, तो इस तरह के शेयर में हायर प्राइस पे कभी भी आप बाय करने का कोशिश ना करें। शेयर के प्राइस को थोड़ा नीचे आने दें, फिर आप इसमें इन्वेस्ट करने के लिए सोचें। अगला है हमारा ट्रिडन लिमिटेड। दोस्तों पैनी शेयर्स में ये सबसे अच्छा स्टॉक था, ये हम आपको मार्च से ही बता रहे हैं, जब ये 3 रुपीज के आसपास था, कि आप इसमें आंख बंद करके इन्वेस्ट कर सकें, क्योंकि इसका डिविडेंड यील्ड भी काफी शानदार था, 5% के आसपास था। अभी देखते हैं डिविडेंड यील्ड जो है मात्र 3% बचा, क्योंकि ये शेयर का प्राइस जो है लगभग कई गुना हो चुका है। आप 4 रुपीज से मल्टीप्लाई करेंगे, तो लगभग 4 टाइम्स हो चुका है। तो काफी बेहतरीन रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टर को। और ये स्टॉक जो है पैनी शेयर्स नहीं था, बल्कि स्टॉक स्प्लिट हुआ था, 60 रुपीज से एवब का स्टॉक था। जब ये स्टॉक स्प्लिट हुआ फेस वैल्यू 10 से 1 में, तो इसका स्टॉक का प्राइस भी 6 रुपीज हो गया, और वहां से पैंडेमिक के गिरावट के कारण 3 रुपीज हो गया। और इस स्टॉक का रिटर्न देखिए, तो मार्च का जो लो था वहां से 384% का रिटर्न दे चुका है। तो काफी बेहतरीन स्टॉक में से ये भी एक है, आप इसमें चाहें तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद यस बैंक में काफी न्यूज आता है कि अब यस बैंक जो 40 रुपीज का हो जाएगा, इतना का हो जाएगा। लेकिन दोस्तों काफी वक्त लगेगा 40 रुपीज का होने का, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं लगातार इसमें लोअर सर्किट लगता है, फिर अपर सर्किट लगता है। तो इसका कारण क्या है कि जो लिक्विडिटी है स्टॉक का काफ़ी ज़्यादा है, मतलब जो स्टॉक है इसका जो OFS आया 12 रुपीज़ पर, तो काफ़ी नंबर ऑफ शेयर्स जो है इसमें इंक्रीज हो चुके हैं। तो नंबर ऑफ शेयर्स काफ़ी ज़्यादा है, तो डिमांड जब तक काफ़ी ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, तब तक स्टॉक का प्राइस आपको नहीं बढ़ेगा। साथ ही साथ जब तक कंपनी के फंडामेंटल्स में सुधार नहीं होता है, आपको इम्प्रूवमेंट ज़्यादा नहीं दिखेगा। जब कंपनी के फंडामेंटल्स में इंप्रूवमेंट होगा, तब कंपनी के शेयर प्राइस में आपको मोमेंटम दिखने मिलेगा, क्योंकि फंडामेंटल सुधरने से कंपनी के शेयर प्राइस का डिमांड बढ़ेगा, और डिमांड जब बढ़ेगा तो कंपनी का शेयर प्राइस भी बढ़ेगा। यस बैंक के OFS में जिन्होंने भी अप्लाई किया, उन्हें 100% तक का प्रॉफिट मिल चुका है। यस बैंक के OFS में जिन्होंने भी अप्लाई किया, उन्हें अच्छा खासा रिटर्न मिल चुका है, क्योंकि 12 रुपीज में जो OFS लिया था, वो शेयर प्राइस गया 21 रुपीज तक। बहुत सारे लोग वहां पर प्रॉफिट बुक किए होंगे। जब ये 25 रुपीज के अबव जाता है, फिर से आपको एक मूवमेंट इसमें देखने मिलेगा। तो अगर कोई भी लॉन्ग टर्म के इन्वेस्ट किए हैं, तो इसमें इन्वेस्टेड रहिए, वेट एंड वॉच कीजिए। जैसे 25 रुपीज के ऊपर जाता है, एक जबरदस्त रैली आपको देखने मिलेगा। लॉन्ग
लॉन्ग टर्म के लिए लिए हैं तो कंपनी के फंडामेंटल्स में इंप्रूव होने से फिर आपको अच्छा खासा रिटर्न इसमें देखने मिलेगा। बायोफिल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स अगला शेयर है हमारा। कई सारे लोग कमेंट करते हैं इसमें क्या इन्वेस्ट करें क्या करें, तो दोस्तों अब वक्त बीत चुका है, अब बीते हुए जो वक्त है उसको भूल जाइए, क्योंकि ये स्टॉक आपको काफी नीचे के प्राइस पर दिया था मौका लेने का, वहां पर आप लेते तो ठीक था, अब ये शेयर प्राइस काफी हाई पर आ चुका है, यहां पर आपको बिल्कुल भी ट्रैप नहीं होना है, नहीं तो आपका सारा का सारा अमाउंट जो है वो जीरो हो सकता है, क्योंकि ये शेयर प्राइस मात्र देखने 8 रुपीज 10 रुपीज का था, वहां से ये रिटर्न दिया काफी गजब का, 300 रुपीज से अबव जा चुका था। तो मार्च से अभी तक में सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाली कंपनियों में से एक कंपनी है जो कि लगभग 4000% के आसपास रिटर्न दे चुके हैं, देखते हैं 3600% का रिटर्न। तो दोस्तों ये आपका 36 गुना कर चुका है, मतलब 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किए रहते तो आपका 36 लाख रुपया वो बना के देता, मतलब सिर्फ प्रॉफिट आपको 36 लाख रुपया देता, 1 लाख आपका वो होता तो 37 लाख रुपीज कुल आपके पास होता। तो आप इसका रिटर्न देख के ऐसे भी समझ चुके हैं कि ये बिल्कुल भी इन्वेस्ट करने का सही समय नहीं है, जब भी देखते हैं इतना ज्यादा रिटर्न मिलता है मतलब प्राइस मूवमेंटम देखने मिलता है तो वहां पर करेक्शन भी आता है और ये करेक्ट होकर के लगभग अपना देखते हैं आपने आधे प्राइस पे आ चुका है। इसका जो हाई था वो लगभग 360 रुपीज था तो वहां से आधे प्राइस आ चुका है ये। अब यहां से अगर और गिरावट आता है तो जो ऊपर में ट्रैप हुए हैं समझ सकते हैं उसका क्या हाल हो रहा होगा। तो इसलिए कभी भी आपको हमारा इस वीडियो बनाने का मकसद यही है, ऊपर के प्राइस पे ट्रैप नहीं होना है पैनी शेयर में। पैनी शेयर में जब भी इन्वेस्ट करना है तो नीचे के लेवल पर, और ऊपर के प्राइस पे तब इन्वेस्ट करें जब कंपनी के फंडामेंटल्स काफी अच्छे होंगे, जैसे आपको बताते रहते हैं इंफोसिस हो गया आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, रिलैक्सो फुटवेयर हो गया, कोलगेट हो गया, डाबर हो गया, ACS हो गया, रिलायंस हो गया, तो इस तरह के स्टॉक में आप कहीं भी किसी भी लेवल पे इन्वेस्ट करते हैं, आपका जो है मनी एकदम सेफ रहेगा, सुरक्षित रहेगा। फार्मा सेक्टर के सारे स्टॉक में एक और है देखिए वैशाली फार्मा, ये भी काफी जबरदस्त शेयर है, इसमें भी काफी जबरदस्त मोमेंटम देखने मिला था लेकिन पिछले कई दिनों से इसमें भी सर्किट देखते हैं। ये 33 रुपीज का स्टॉक था, वहां से डायरेक्ट जंप किया 70 रुपीज तक, मतलब 123% का रिटर्न दिया मात्र 22 दिसंबर से 1 जनवरी, मतलब 8 से 10 दिन में ये लगभग 150% का रिटर्न दिया, और वहां से फिर देखते हैं काफी तेजी से गिरावट लोअर सर्किट के साथ, मतलब जो रिटेल इन्वेस्टर ऊपर में ट्रैप हुए तेजी को देख करके उन्हें एग्जिट करने का बिल्कुल भी मौका नहीं दे रहा है ये स्टॉक। अभी सारे के सारे स्टॉक में काफी तेजी देखने मिल रहा है, तो किसी भी स्टॉक में आप अपर लेवल में ना फंसे, अगर आपको इन्वेस्ट करना है पोजिशनल ट्रेडिंग करना है अभी तेजी में स्टॉप लॉस के साथ कीजिए, क्योंकि मार्केट में कभी भी 1000 पॉइंट 2000 पॉइंट का करेक्शन आ सकता है तो फिर उसमें आपको अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए जब भी अभी आप कोई भी पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं स्टॉप लॉस के साथ करेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा कि पैनी शेयर में किस प्रकार इन्वेस्ट करना है, किस प्रकार पैनी शेयर में आपको अर्न करना है। तो दोस्तों हम एक ही सलाह देंगे, अगर अभी तक आपने स्टॉक मार्केट में अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आप जीरोधा के साथ ओपन कर सकते हैं, एंजल ब्रोकिंग के साथ कर सकते हैं। अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो एंजल ब्रोकिंग सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, काफी अच्छा मार्जिन देता है, आप हमारे लिंक से एंजल ब्रोकिंग अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, साथ ही साथ जीरोधा में चाहे तो आप उसमें कर सकते हैं। जीरोधा और एंजल दोनों में आपको 20 रुपया पर ट्रेड चार्ज लगता है और इन डिलीवरी में आपको कोई भी चार्ज नहीं लगता, कोई भी स्टॉक डिलीवरी में लेते हैं आपको कोई भी ब्रोकरेज पे नहीं करना पड़ता है, और इंट्राडे में सिर्फ 20 रुपीज पर ट्रेड आपको चार्ज लगेगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा, पैनी शेयर में किस प्रकार इन्वेस्ट करना है, और चैनल पर परिवार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा।